हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला के डेरिवेशंस और उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला दोस्त 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ठीक है सेकेंड पार्ट है ना, मतलब 7.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से दोस्त, पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपको करना क्या है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो इससे हमारा भी फायदा होगा और दोस्त आपका भी फायदा होगा, चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। हम आपके लिए और भी ज्यादा चीजें लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा सुविधाएं लेकर के आ सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है दोस्त। देखो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में दोस्त हमको बात करना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है कि मैं 10th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें 2-3 वीडियो मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। आज हमारी है सेक्शन फॉर्मूला के बारे में और उसके आसपास के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन का मतलब समझ रहे दोस्त। देखो सिंपल भाषा में दोस्त उनको समझाता हूँ। मान लो कि एक लाइन है ए बी, है ना, एक लाइन ए है और यहाँ पे पॉइंट जो है उसका नाम बी है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है दोस्त। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मान लो इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3, सही है ना, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लो कि कॉमा आपको दिया हुआ है 4, 5, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, सही है दोस्त, यस। अब आपको करना क्या, देखो मान लो कि ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है उसका जो लंबाई है ना वो 10 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, समझ रहे हो, 10 सेंटीमीटर का है दोस्त। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है, कितने का लंबाई है, 10 सेंटीमीटर का, ऐसे हमने मान लिया। उनको प्रॉपर फील देंगे सेक्शन फॉर्मूला का, उसके बाद ही हम डेरिवेशन दिखाएंगे, क्योंकि सीधा डेरिवेशन दिखाएंगे आपके ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है दोस्त। तो देखो ये तरीका मैंने खुद से डिस्कस है ना प्लान किया। देखो अब हम करते क्या है, हम इसको सेक्शन बनाते हैं। अभी ये पूरा एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, अब हम इसका सेक्शन बनाते हैं। क्या करते दोस्त, सेक्शन बनाते हैं। देखो हम करते क्या, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कॉमा क्या है, वाई है। समझ में आ रहा है क्या है, एक्स कॉमा वाई है, समझ में आ रहा है दोस्त, यस। अब देखो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है ना, तो ये वाला सेक्शन 4 सेंटीमीटर का है। मतलब क्या कि आपका जो एपी है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो ऑब्वियस ये बात है कि टोटल 10 है तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो आपका जो पी बी है वो कितना का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है दोस्त, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। अब दोस्त हमको क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है, अगर आप एपी, ठीक है दोस्त, एपी और पीबी का रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट लेगा, ठीक है दोस्त, और ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा आपका, 2:3, सही है। तो ये जो दोस्त जिस रेशियो में बचेगा, जहां पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है दोस्त, एबी के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, इंटरनली एक पॉइंट है, सही है ना दोस्त, जो इसको क्या कर रहा है, 2 सेक्शन बना रहा है, 2 सेक्शन में बांट रहा है, ठीक है। तो उसका जो रेशियो है वो क्या निकल के आ रहा है दोस्त, किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के रेशियो में, किस रेशियो में बोलो, 2:3 के रेशियो में। समझ में आ रहा है दोस्त, यस। तो इसको ही हम क्या बोला करेंगे दोस्त, इसको हम बोला करेंगे m:n, क्या बोला करेंगे, m:n, जो यहाँ पे कितना है, 2:3 है। समझ में आ रहा है दोस्त, उसको हम क्या बोला करेंगे, टू, हमारे फॉर्मूला में जो दिखेगा mn वो क्या होगा, ये रेशियो होगा, बोलो इतना बात समझ में आ गया, यस। अब देखो ये जो पॉइंट P है, हमको सबसे पहले हम उसी का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। ये जो पॉइंट P है जो इसको 2 सेक्शन में बांट रहा है ना दोस्त, उसका हम क्या सीखेंगे, अरे भैया क्या सीखेंगे यार, उसका क्या सीखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या करेंगे, है ना। तो भाई साहब ये हमारा एम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। और m:n का रेशियो हमको पता चल गया 2:3, मतलब कि P इसको 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। आई होप आपको रेशियो वाला मामला सेट हो गया होगा, ठीक है दोस्त। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको X निकालना है, ठीक है। देखो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, x1 y1 नाम देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो X है, ये X निकाला जाता है, ये X कैसे निकाला जाता है, X निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखो X निकालने के लिए हम करेंगे क्या। अब तुमको पता है कि भैया तुम्हारा इस सेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एम, और इस सेक्शन को क्या बोल रहे हैं, हम एन बोल रहे हैं, और एम का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, 2, और एन का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, 3, ठीक है। तो इस एक्स के वैल्यू को दोस्त निकालने के लिए क्या किया जाता है, बोलो भैया क्या किया जाता है, इस
एस है ना, इस एक्स के वैल्यू को निकालने के लिए हम इधर वाले को गुणा है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं, तो इधर वाले का गुणा इधर के साथ करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो अभी दोस्त तुमको पता चल जाएगा। पहले आप इसको थोड़ा फील ले लो, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो भाई टू का गुणा किसके साथ होगा, फोर के साथ, ठीक है। टू का गुणा किसके साथ हो जाएगा, फोर के साथ, समझ में आ रहा है। टू का गुणा फोर के साथ, ठीक है। और थ्री का गुणा टू के साथ, मतलब इधर वाले का गुणा उधर वाले के साथ, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और इधर वाले का गुणा इधर वाले के साथ, उल्टा वाला, ठीक है। तो थ्री गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा टू हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, एम प्लस एन, मतलब एम प्लस एन का मतलब क्या हुआ, टू प्लस थ्री। देखो चार दूना आठ, तीन दूना छे पांच, कितना हुआ, और चार बारह, बारह बट्टे पांच। तो देखो जो पॉइंट इसको दो सेक्शन में बांट रहा था ना दोस्त, जो पॉइंट इसको दो सेक्शन में बांट रहा था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तुमने कितना निकाला, 12y5, समझ में आ गया। और उसी तरीके से दोस्त हम वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकालने के लिए वही करेंगे, एम और उधर वाला वाई, ठीक है। तो एम उधर वाला वाई क्या है बोलो, तुम्हारा 5 है, ठीक है। और एन इधर वाला वाई, ठीक है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। और नीचे तो भाई वही रहेगा, एम प्लस एन, समझ में आ रहा है। तो ये दो हो गया तुम्हारा 10, 9, 19, 19 वाई क्या हो गया, 5। तो देखो तुम बड़ी आसानी से क्या कर लिए दोस्त, बड़ी आसानी से तुमने क्या निकाल लिया, जो पॉइंट इस एबी को दो सेक्शन में बांट रहा था इंटरनली, हमको 10th क्लास के सिलेबस में दोस्त इंटरनली ही पढ़ना है। तो हम अभी केवल सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ, इसीलिए हम केवल सिलेबस की बातें करेंगे, इंटरनल रिविजन की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। एक्सटर्नल रिविजन भी होता है, लेकिन मैं अभी आपको केवल इंटरनल डिवीजन के बारे में बात करूंगा, ठीक है दोस्त। ओके, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है ना। उस पॉइंट पी जो इसको दो सेक्शन में बांट रहा था, उसका हमने क्या कर लिया दोस्त, कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अगर हमको ए दिया हो, बी दिया हो और रेशियो दिया हो, तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। एम एन क्या है, एम एन कुछ नहीं दोस्त, जिस रेशियो में है ना, ये जो सेक्शन है जिस रेशियो में बांटता है वो आपका एम एन है, ठीक है। ए आपका एक पॉइंट है इधर वाला, बी आपका पॉइंट होगा उधर वाला, और पी वो पॉइंट जो इसको काटेगा, सॉरी दो भाग में क्या करेगा, दो सेक्शन बनाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो हर बार निकालना रहेगा, समझ में आ गया बात। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको देखो, अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे इसी के तर्ज पे, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वन वाई वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, एक्स वन वाई वन। इसको क्या बोलेंगे, एक्स टू वाई टू। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूला अगर बनाओगे तो दोस्त क्या बनेगा, देखो तुम क्या लिखे हो, एम एक्स टू लिखे हो, क्या लिखे हो, एम एक्स टू, एम एक्स टू, ठीक है। और इधर क्या लिखे हो, एन एक्स वन, और इधर नीचे क्या लिखे हो, एम प्लस एन, एम प्लस एन, समझ में आ गया। यही क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला, किसका, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए दोस्त तुम क्या लिखे, देखो ये क्या लिखे, एम एम वाई टू, ठीक है, एन वाई वन, और नीचे क्या आएगा, एम प्लस एन, ठीक है। तो ये दोस्त बड़ा हो गया वाई के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया दोस्त, एक्स के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला में क्या गुल खिलाना है, सही कह रही दोस्त, क्या गुल खिलाना है, क्या हमको समझना है और क्या सीखना है। इससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं इसके डेरिवेशन का, किसके डेरिवेशन, सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। और कुछ और भी आपको टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको काफी हेल्प करने वाला होगा, तो बने रहिए, टिके रहिए वीडियो में। और जल्दी से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला के डेरिवेशन की तरफ। अब आ जा दोस्त, अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के डेरिवेशन के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपको पता चल गया होगा, अब हम इसे करते हैं डेरिवेशन की, भाई ये आखिर आया कहां से, ठीक है। तो आइए उसका हम डेरिवेशन करते हैं। आपको पता है कि हमको डिराइव क्या करना है, हमको डिराइव करना है एक्स बराबर क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और नीचे एम प्लस एन, ये हमको डिराइव करना है। और फिर वाई के लिए भी क्या डिराइव करना है दोस्त, वाई के लिए डिराइव करना है एम वाई वन, सॉरी वाई टू, ठीक है, एन वाई वन, और नीचे में एम प्लस एन, ठीक है, यही दोनों हमको डिराइव करना है। तो आइए करते हैं डिराइव, कैसे करेंगे दोस्त, देखो कहाँ चलना पड़ेगा दोस्त, आपको कार्टेशियन प्लेन पे चलना पड़ेगा, सही बात है ना। तो आइए कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं। अरे कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं, हमारा जो बोर्ड है, जो सरफेस है, उसको चार बराबर भागों में बांट देंगे, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
कर देते हैं उसी को कार्टेशियन बॉल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्त, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेन बनाता हूँ देखो, और मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। ये देखो ये मेरा लाइन सेगमेंट है, इस वाले को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि लाइन मैं थोड़ा बड़ा ले लिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको पता है कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वन वाई वन है, आपको पता है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इसको बांट रहा है किस रेशियो में, एम इज टू एन के रेशियो में। किस रेशियो में बांट रहा है दोस्त, एम इज टू एन के रेशियो में। इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई बोल रहे हैं। इसी का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। और यहाँ पे पॉइंट बी है, आपको पता है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है। सही है दोस्त, बोलो कोई समस्या, अरे बोलो कोई समस्या है क्या दोस्त, नहीं है। अब देखो हमको करना क्या दोस्त, हमको करना क्या है, हमको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है, डेरिवेशन करना है इसका। तो सिंपली देखो ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का भाई मिक्सर है, ठीक है ना, मिक्सचर है, मतलब दोनों को मिला दो तो भैया एक नया चैप्टर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो दोस्त हमने क्या किया, ए से बी से और सी से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश वाई एंड ये वाई डैश, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है, यस, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा विचित्र लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है मिस्टर, एंगल ए एक्स वन वाई वन है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिए हैं, बाकी कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना इसको, मैं थोड़ा छोटा लिख दो, पी एक्स वाई ये हमको निकालना है, सही है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, इसको मैं मिलाता हूँ, देखोगे ध्यान से, सिमिलरिटी का दोस्त कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना, इसका सिमिलरिटी का, ठीक है। और इसको मुझे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है मिस्टर, ये वाला मैं इस लाइन को पूरा खींच देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर फील आ जाए, ठीक है ना, ये देखिए ये वाला, समझ में आ रहा हीरो, यस। अब ध्यान से देखो, हमें इस पॉइंट के बारे में बात करना था, ये जो पॉइंट पी एस कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, हमको यही एक्स वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है, सिमिलरिटी लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरिटी अगर आपको नहीं पता है तो बता देंगे दोस्त, उसका बेसिक बात है, आपको यही पे बता देंगे। देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है दोस्त। और देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना दोस्त, ये दोनों एकदम सीधे में पैरेलल लाइन है, ठीक है। और अगर ये पैरेलल लाइन है दोस्त, ठीक है ना, तो कोण एंगल बराबर होगा, आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल बराबर होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं दोस्त, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है ना, तो ये एंगल बराबर हो गया। अब देखो इसका ये आपका बी है, इसका नाम आपने पी रखा हुआ है, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लो कि डी रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखोगे, एक ट्रायंगल है ना पी डी ए और एक ट्रायंगल बी सी पी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, क्या हो गया दोस्त, सिमिलर हो गया। तो सर सिमिलर का क्या मतलब, ट्रायंगल सिमिलर होता है, कंग्रुएंसी आपने पढ़ा होगा पहले, है ना, सिमिलर का मतलब है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना, एक राइट एरिया, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर जब हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये मैं इसको अलग से आपको फिर दिलवाता हूं, क्या मतलब है इसका, मतलब ये दोस्त देखो ये ट्रायंगल पी डी ए, ठीक है दोस्त, ये आपका मैं यहां बना दू पी डी ए, इस तरीके का है, ठीक है, और यहां पे जो आपका है वो क्या है आपका बी सी पी है, ठीक है दोस्त, बी सी और पी, ठीक है मिस्टर, बी सी पी, ये बी सी एंड पी, समझ में आ रहा है, ये आपका दो ट्रायंगल है जो आपस में आपको पता है कि यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, और यहां पे 90 डिग्री है, और ये क्या है आपका इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, ठीक है। तो ए डी है ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी क्या दोस्त, सिमिलर, क्या दोस्त, सिमिलर है किसके, ए किसके बराबर है, पी के, तो ट्रायंगल पी है ना, डी किसके बराबर है, सी के, ठीक है ना, तो सी और बी के, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है 90 डिग्री की वजह से, ठीक है, और ये आपका किसके बराबर, किसके वजह से बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर से। तो जब दो ट्रायंगल दोस्त क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का रेशियो मतलब क्या हुआ, देखो साइड का रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसका पहला ए बी और इसका ए डी, इसका ए डी इसके करस्पॉन्डिंग साइड इसी के बराबर होगा, ठीक है, इसका इसका बी डी इसके करस्पॉन्डिंग साइड सी डी के बराबर होगा,
और इसका ए बी, इसका ए बी इसका पी बी के बराबर होगा। समझ में आ रहा दोस्त? इसका पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा इसके पहला दूसरा के बराबर, इसका दूसरा तीसरा इसके दूसरा तीसरा के बराबर, और इसका पहला तीसरा इसका भी पहला तीसरा के बराबर हो जाएगा। इसी चीज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ये फॉर्मूला चुटकियों में आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब दो ट्राइंगल का दो एंगल बराबर होता है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, साइड का रेशियो इक्वल होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्त, अब भाई इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल गया कि भैया ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आइए हम एक बार क्या करते हैं, साइड निकाल लेते हैं। साइड हमको इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए ये क्या आप बता सकते हैं कि ये लेंथ क्या है? ठीक है, देखिए यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। क्या बोल रहे दोस्त? x बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक x है और यहां की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, x1 बोल रहे हैं। तो ये जो लेंथ है AD, ये जो AD लेंथ है, वो AD लेंथ क्या हो जाएगा? इधर मैं लिख लेता हूं। देखो दोस्त, ये जो आपका AD लेंथ होगा क्या बता सकते हो क्या होगा? देखिए जीरो से लेकर के यहां से ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या आपका, वो है आपका x, और x में से इधर हम क्या करते हैं, x1 घटा देते हैं। तो हमारा जो AD निकलेगा वो कितना निकलेगा बताइए? हमारा जो दोस्त AD निकलेगा वो निकलेगा x माइनस x1। समझ में आ रहा दोस्त? और हमको क्या जरूरत पड़ेगा, देखो दोस्त हम ये निकाल सकते हैं क्या, देखो ये वाला, ठीक है, इसका नाम कुछ रख दो आप, ई नाम रख दो, है ना? तो ये निकालो या ये निकालो, बात देखी है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा ना भाई। हाँ, तो देखिए ये पूरा कितना है आपका, यहां से जीरो से लेकर के यहां तक क्या आपका x2 है, और x2 में से अगर हम क्या करें x घटा दे, x2 में से क्या घटा दे दोस्त, x घटा दे, हमको क्या मिलेगा, pc मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? pc। तो pc आपको कितना मिलेगा बताइए? pc आपको मिलेगा x2 में से क्या घटाइएगा आप, x घटाइएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक x2 है, और x2 में से हमने यहां तक यहां आ गया आपका x है, तो इतना घट गया, ये वाला सेक्शन घट गया। सही है दोस्त? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, है ना, बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। पीसी हो गया दोस्त आपका, फिर आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ये हमको और किसका जरूरत पड़ने वाला है, इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है ना दोस्त, ये वाला। ठीक है, तो हम ये कैसे पता करेंगे, बताओ, हमको पता जरूरत पड़ेगा पीडी का, किसका दोस्त, पीडी। ठीक है, तो पीडी क्या होगा, देखो यहां से यहां तक पूरा क्या है, ये पूरा कितना दोस्त, पूरा आपका वाई है, ठीक है ना, कितना है वाई है, और वाई में से आपने कितना घटा दिया बोलो, y में से आपने कितना घटा दिया, ये सब बात मैं पहला चैप्टर में बता चुका हूँ दोस्त, है ना, पहला वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना, उस सब कॉन्सेप्ट में मैंने ये सारा बात, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर भी मैं समझा ही रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो देखिए मैंने क्या कहा कि ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका वाई है ना, वाई की तरफ आपने कितना किया हुआ है, वाई किया हुआ है, वाई में से हमने क्या किया, वाई वन, ये कितना है दोस्त, ये कितना है वाई वन, तो वाई वन घट जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस y1, किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं pd की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो y माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, y माइनस y1, क्या हो जाएगा दोस्त, y माइनस y1, y माइनस y1। ठीक है दोस्त, pd, और किसकी बात करते हैं दोस्त, और हमको एक आखिरी चीज चाहिए, क्या cd चाहिए, है ना, या bc चाहिए, तो BC क्या है, देखो BC आपको देखो पूरा क्या है, Y2 है, Y2 में से यहां तक क्या है, Y घटा देंगे, मतलब Y2 माइनस क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि आपका जो AP है, ठीक है ना दोस्त, क्या है आपका AP, वो क्या है आपका, इसको आपने M माना हुआ है, ठीक है, और आपका जो PB है या BP है वो क्या माना हुआ है, BP मतलब ब्लड प्रेशर, वो क्या है आपका N है। ठीक है मिस्टर, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो भैया बड़ी आसानी से हम इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। एक बार रिपीट करते हैं, जब ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो बराबर। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है मिस्टर, और जब साइड का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है, और सारा साइड हमने इस ट्रायंगल के सारा साइड ये फिर ये मतलब ये पता कर लिए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता कर लिए, ठीक है दोस्त, और फिर इस ट्रायंगल का भी तीनों साइड पता कर लिए, अब रेशियो लगा देंगे और कैलकुलेट करके हमको आराम से वो वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मिस्टर, चलो आ जाओ। ठीक है, और आप फॉर्मल बात कर रहे हो मास्टर तुमांश। देखो भाई क्या बात कर रहे हैं, अब हम लगाने वाले, हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है,
ठीक है दोस्त। तो ये बात हमको पहले से पता है, ट्रायंगल क्या है दोस्त, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी बी के। और आपको पता है कि ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो बराबर होता है ना। तो साइड का रेशियो बराबर, देखो ए डी बट्टा इसका ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, ठीक है। इसका बी डी बट्टा इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका बी सी हो जाएगा। और इसका ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, इसका ए बी क्या हो जाएगा, आपका बी पी हो जाएगा। देखो सारा साइड का लेंथ हमको पता है, ऊपर में हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं एक्स वाई, है ना, वहां से तो अपन इसे पटक देंगे, इसको पटक दो। ए डी का वैल्यू कितना, तुम्हारा देखो ए डी का वैल्यू है एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। पी सी का वैल्यू कितना बताओ, पी सी का वैल्यू है आपका एक्स टू माइनस एक्स, बी डी बट्टे बी सी, बी डी बट्टे आपका बी डी, आपका बी डी का है, बी डी हमने नहीं निकाला, इधर क्या है दोस्त, बी डी, दैट इज बी डी, बी एंड डी, बी एंड डी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये बी डी कहां से आ जाएगा, कुछ लफड़ा हो गया दोस्त, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। ये बी डी नहीं होगा, एक ट्रायंगल आपका क्या है, आपका ए डी बी मैंने लिख दिया हुआ है ना, ए डी बी नहीं होगा, यहां पे क्या होगा दोस्त, पी होगा, क्या होगा, पी होगा, है ना, ए डी पी, ठीक है, और पी सी डी, यस, ए डी पी होगा, मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो जहां पे ए डी बट्टा, सही है ना, तो यहाँ पे रेशियो जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ए डी है ना आपका, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी बट्टा पी सी, यहाँ पे बी लिखा था, सॉरी। देखिए ये जो ट्रायंगल आपका ए डी क्या है, पी है, ए डी पी है, ए डी और यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक है ना, ए डी पी है। तो यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ है वो ए बी लिखा हुआ है, इसमें कुछ ए बी है क्या, इसमें ए बी तो है नहीं है, है ना। इस रेशियो को वापस है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए रेशियो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए डी पी ट्रायंगल, देखिए ए डी पी ट्रायंगल, ठीक है, इसके इक्वल है पी सी बी के, ए डी पी एंगल ए के बराबर क्या है, पी है, सही बात है, तो पी, ठीक है, सी के बराबर क्या है, डी है, तो डी सी के बराबर, सही बात है, बी के बराबर आपका पी है ना, बी के बराबर पी है, सही बात है। तो यहाँ पे एकदम सही लिखा हुआ है, अगर ट्राइंगल रेस सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, तो ए डी बट्टा पी सी, ठीक है, ए डी बट्टा इसका पहला दूसरा, इसके पहला दूसरे के बराबर, ठीक है, ए डी बट्टा पी सी, और डी पी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे डी पी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी पी, तो डी पी बट्टा क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा, इसका दूसरा तीसरा, ठीक है, बी सी के बराबर, सही है, और इसका तीसरा ए पी, क्या होगा दोस्त, ए पी, ठीक है। तो इसका जो ए पी है वो इसके डी पी के बराबर होगा। अब देखिए dp के वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, यहाँ देखो dp हमारे पास है, क्या है आपका y माइनस वाई वन, और bc, bc कितना है आपका y2 माइनस y, ठीक है, और ap कितना है आपका, ap आपका है m अपॉन n, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो जो झोल था वो यहीं पे झोल था इंफॉर्मेशन में, ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ, ये साइड हमने कैसे निकाला, बस उसमें थोड़ा सा झोल था, वो थोड़ा लेंदी हो गया, इस बात को मैं मानता हूं, आप उसको थोड़ा बियर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब आइए देखिए कितने आसानी तरीके से आ जाएगा, हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो एन का गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा एन एक्स, ठीक है, आपको मिलेगा एन एक्स वन, और इसका गुणा एन के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको मिलेगा एम एक्स टू, ठीक है, और इसका गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एम एक्स मिलेगा, ठीक है। हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम x को इधर कर देखिए, ठीक है, x को हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एन एक्स, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एम एक्स, ठीक है, और इसको इधर करके जाइए तो क्या मिलेगा, एम एक्स टू मिल रहा है, और उधर जाके क्या मिलेगा, देखो दोस्त एन एक्स वन मिल रहा है। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले तो क्या मिलेगा, एम प्लस एन मिलेगा, बोलो, इधर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और नीचे क्या आएगा दोस्त, ठीक है, ये इधर किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो फाइनली, अब इस तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और नीचे में क्या आएगा, एम प्लस एन। इस बात को मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, तो ये बात मैं क्या करता हूं दोस्त, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आ जाए मजा, ठीक है मिस्टर। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, इस दोनों को, ये दोनों रेशियो कैसे बराबर हुआ, सिमिलरिटी से बराबर हुआ,
सिमिलरिटी से आया, उसके बाद एन का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके एन के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमको ये मिला। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या आपका आया हुआ है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और नीचे आएगा एम प्लस एन, समझ में आ गया। तो ये है आपका डेरिवेशन, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसके लिए रियली रियली सॉरी, ठीक है। आइए, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को दो सिमिलर कर दिया, ठीक, और सिमिलर करने से साइड का रेशियो बराबर, तो साइड का रेशियो बराबर हो गया, वहां से मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद करेंगे तो एक्स आ जाएगा जो हमको वहां पे आइए, तो ये इसका डेरिवेशन, और वाई है ना, और इस दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसी तरीके से तो वाई आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप, मैं करके दिखाता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे थोड़ा जगह चाहिए, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स बराबर कैसे है वो आपको समझ में आ गया है ना, एक्स बराबर क्या आया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, उसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्त बात करते हैं किसका, देखिए अब हम दोस्त बात करते हैं y का, तो इस दोनों को गुणा करना पड़ेगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इसको जब आप गुणा कीजिएगा देखिए, ठीक है, n से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा एन वाई वन वाई आएगा माइनस एन वाई वन आएगा, ठीक है, n का गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ कीजिए तो क्या मिलेगा आपको एम वाई टू मिलेगा और माइनस एम वाई मिलेगा, एम वाई को अभी इधर लेकर के आइए तो एन वाई प्लस एम वाई, ठीक है दोस्त, और ये आपका एम वाई टू है और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस एन वाई वन हो जाएगा। अगर यहाँ से आप वाई कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, ठीक है, एम प्लस एन मिलेगा, है ना, यहाँ से वाई लीजिए तो एम बचेगा, यहाँ से वाई लीजिएगा एन बचेगा, और यहाँ क्या मिलेगा दोस्त आपको एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ठीक है। पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्त, ठीक है। देखिए y का जो वैल्यू आएगा मिस्टर कितना आएगा बोलो, y का जो वैल्यू आएगा दोस्त वो आपका आएगा एम वाई टू, ठीक है दोस्त, एन वाई वन और नीचे में एम प्लस एन, देखो वही बात है ना जी। तो बड़ी आसानी से आपने सेक्शन फॉर्मूला का क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी, समझ में आ रहा है दोस्त। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे दोस्त जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भारी भरकम चीज था वो यहीं पे था, अब सारी चीजें एकदम इजी 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 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्त, अब आज हम स्टार्ट बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, हमको समझ में आ गया क्या होता है, कहां से आया, कैसे आया, उसका फील भी हमने ले लिया। अब दोस्त हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो पॉइंट पी है अगर वो बीच में चला गया, मतलब मिड पॉइंट हो गया तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निकल चीज बताएंगे और वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, तो बस पांच मिनट और बने रहिए, बस पांच मिनट। देखिए ये हमारा क्या था दोस्त, ए बी था, ठीक है, क्या था, ए बी एक लाइन सेगमेंट था। इस बार जो पॉइंट पी है वो कहां पे चला गया दोस्त, एकदम बीच में चला गया, ठीक है। तो आपको पता है कि बीच में जो चला जाएगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई बोल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोले एक्स वन वाई वन बोल रहे हैं, ठीक है, और ये क्या था दोस्त आपका एक्स टू वाई टू था। जब आपको देखो ये हो जाएगा दस और ये भी हो जाएगा, सॉरी ये पांच पांच अगर हो जाएगा, दस था टोटल ना स्टार्टिंग में जो आपको फील दिलवा रहे थे, तो ये पांच पांच मतलब क्या हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो आपको पता है कि दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा वन वन, तो एम का जगह एक पे एम वन आएगा और एन बी का आएगा वन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, इफ पी इज द मिड पॉइंट, अगर पी हमारा दोस्त मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया दोस्त, मिड पॉइंट हो गया, बोलो भाई कौन पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। तो पी अगर आपका मिड पॉइंट जैसे ही हो जाएगा तो आपका एम इज टू एन का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, वन इज टू वन, मतलब एन का वैल्यू वन और एन का वैल्यू भी क्या आएगा दोस्त, वन ही आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में आपको पता है कि एक्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर एम एक्स टू, एम इधर वाला एक्स टू उधर वाला, ठीक है, एन, ठीक है, एन एक्स वन, एम इधर वाला तो एक्स उधर वाला, एन है ना उल्टा लेके, ठीक है ना दोस्त, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखोगे। नीचे क्या आता है दोस्त आपको एम प्लस एन आता है, लेकिन फॉर मिड पॉइंट, क्या दोस्त, फॉर मिड पॉइंट, आपको पता है कि मिड पॉइंट के लिए मामला क्या हो जाएगा, एम एन का वैल्यू हमको पता है कि जब भी मिड पॉइंट होगा तो एम और एन हमेशा फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूला में, ठीक है, एम का वैल्यू वन रख दे तो क्या बनेगा, देखिए आपका आपका बनेगा एक्स टू, ठीक है, एन के जगह पे वन रखिए एक्स वन और नीचे वन प्लस वन रखिए तो वन प्लस वन, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा, देखिए इसको हम सिस्टमेटिकली एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू लिखते, कोई दिक्कत है क्या आपको, क्योंकि ये एक्स वन होगा प्लस एक्स टू होगा और नीचे क्या हो जाएगा टू। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला आ गया, मिड पॉइंट का लिए, अगर हमारा पी क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो
उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, मतलब एक्स और एक्स टू है ना, एक्स वन एक्स टू को जोड़ दीजिए, दो से डिवाइड लगा दीजिए, मतलब उसका मीन निकाल दीजिए, ठीक है, एवरेज निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन में मिड पॉइंट से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, ठीक है दोस्त, तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए। अब इसी तरीके से वाई की बात कर ले दोस्त, वाई का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, वाई का फॉर्मूला होता है क्या, एम वाई टू एन वाई वन और नीचे में प्लस एम प्लस एन होता है, लेकिन एन एन का वैल्यू क्या डालना है दोस्त, वन डालना है, तो वन वाई टू हो जाएगा, वन वाई वन हो जाएगा, और एम प्लस वन की जब क्या रखोगे, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो वाई वन प्लस वाई टू बाई क्या हो जाएगा दोस्त, टू हो जाएगा, वाई का फॉर्मूला बोलो निकल गया। तो मिड पॉइंट जब भी होगा तो दोस्त आपको ये दोनों ध्यान रखना है, मिड पॉइंट जब भी होगा तो सीधा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करो, और वाई कैसे निकलेगा, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करो, बस काम हो जाएगा दोस्त, खत्म और खत्म और खत्म, ठीक है। भाई ये फॉर्मूला का लिस्ट भी बाजू में मैंने बना दिया दोस्त, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या सीखा, एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और नीचे में एम प्लस एन, और वाई बराबर क्या सीखा दोस्त, एम एक्स सॉरी एम वाई टू, ठीक है, एन वाई वन और नीचे में एम प्लस एन, और फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए दोस्त क्या सिखाया गया आपको, एक्स बराबर सीधा एक्स वन एक्स टू को जोड़ दो और दो से डिवाइड लगा दो, और वाई के लिए क्या बताया गया आपको, वाई वन प्लस वाई टू को जोड़ दो और दो से क्या कर दो दोस्त, डिवाइड लगा दो। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है मिस्टर, अगर आपको आया होगा तो एक बार जल्दी से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मिड पॉइंट से फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, अगर मिड पॉइंट होगा तो वो फॉर्मूला कैसे आया, कुछ नहीं किया, एम एन के जगह पे हमने क्या किया, वन वन पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा फॉर्मूला के रूप में आ गया, ठीक है, नोट इट डाउन। अब दोस्त आज का आखिरी बात क्या, एक टेक्निकल बात बताता हूँ, आपको आ जाएगा मजा, ठीक है। टेक्निकल बात यह है कि देखिए आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें क्या क्या है, ठीक है, उसमें क्या है आपका, एम एक्स टू है, एन ठीक है एक्स वन है, और क्या दोस्त नीचे में एम प्लस एन है, ठीक है। तो वेरिएबल की बात की जाए तो इसमें देखिए क्या है आपका, एक आपका एक्स है, एक आपका क्या है एम है, एक आपका क्या है एन है, एक आपका एक्स वन है और एक आपका क्या है एक्स टू है, एक दो तीन चार पांच, इस फॉर्मूला में टोटल पांच वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है दोस्त, पांच वेरिएबल है, तो इस पांच वेरिएबल में क्या करेगा आपको, कोई चार वेरिएबल आपको दे देगा और पांचवा कोई भी आपसे पूछ सकता है, समझ में आ रहा है। पहला वाला सवाल भी तो आपसे सिंपल एक्स पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्त, एक्स पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा आगे जैसे जैसे आप बढ़िएगा आपसे पांचों में से कोई भी वेरिएबल पूछना शुरू कर देगा, ठीक है दोस्त, यस। इसलिए इस फॉर्मूला में टोटल वेरिएबल की संख्या पांच है, तो पांच में आपको क्या करेगा, चार को गिवन दे देगा और एक को आपसे पूछेगा, ठीक है। तो जब आपसे एम और एन का वैल्यू पूछेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब आपसे क्या पूछेगा, एम और एन का वैल्यू, ठीक है, क्या बोलेगा फाइंड करने के लिए, एम और एन का वैल्यू, अरे यार ये तो एम ए नहीं है, सॉरी ये आपका एक्स है और ये आपका क्या दोस्त, एम और एन है, ठीक है ना। जब आपसे बोलेगा कि फाइंड एम एन, क्या बोलेगा दोस्त आपसे, फाइंड एम इज टू एन, एम एन का आपको जब से जब वैल्यू पूछेगा तो आप इसको लेट कीजिएगा हमेशा, क्या कीजिएगा, लेट इसको के इज टू वन मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा इसको, क्या मानिएगा, के इज टू वन मानिएगा, ठीक है। जब भी आपसे बोलेगा कि एम इज टू एन निकालिए तो आप उसको क्या मानिएगा, के इज टू वन मानिएगा। ऐसा मानने से होगा क्या कि आपका एक वेरिएबल कम हो जाएगा, आपको इजी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यह है टेक्निकल बात जिसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है अलग से, ठीक है मिस्टर। तो एम इज क्या माना है आपको, जब भी एम इज टू एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, के इज टू वन मानेंगे, और के का जो वैल्यू आएगा वही हमारा एम इज टू एन का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त आपको, यस। तो यह है दोस्त टेक्निकल बात जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कल एक वीडियो आएगा, ठीक है, आप इसको नोट करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल दोस्त हम इसमें एक तरक्ता वरक्ता क्या करेंगे, वीडियो लेकर के आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का। तो आज हमने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा उस पर कल वीडियो आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का, तो आप दिल थाम करके उसका वेट कीजिए, ठीक है। जब वो क्वेश्चन आएगा तो इन सारे कॉन्सेप्ट का अप्लाई करता हुआ क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है दोस्त। तो एक बार करते हैं वीडियो का समाप्त जल्दी से, क्या क्या आज हमने सीखा। आज हमने सीखा दोस्त सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में ये जो पॉइंट पी है जो इसको दो सेक्शन में बांटता है इंटरनली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, तो एक्स उसका हम कोऑर्डिनेट निकालना सीखे, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वाई अपॉन एम प्लस एन। वाई कैसे निकाला, एम वाई टू एम वाई टू, एम इधर का पकड़ेंगे ये सेक्शन, इस सेक्शन का, तो वाई उधर का पकड़ेंगे, ठीक है।
एम वाई टू एन प्लस एन वाई वन, एन इधर का पकड़ेंगे उस सेक्शन का, तो वाई किधर का पकड़ेंगे, इधर का पकड़ेंगे, एन वाई वन और बट्टे एम प्लस एन। अगर मिड पॉइंट हो गया तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और अगर मिड पॉइंट वाई के लिए तो वाई वन प्लस वाई वाई टू। और एक टेक्निकल बात यह कि जब आपसे एम और एन का वैल्यू पूछेगा तो के इज टू वन उसको मान लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया रैप अप। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप फाइनल स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, इसी का इस्तेमाल करेंगे कल वाले वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। तो आई होप आपको वीडियो में दोस्त मैंने पहले फिर से वही आपसे दोस्त गुजारिश है, गुजारिश क्या दोस्त कि आप जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे, आप उस वीडियो का लुत्फ ले सको, आनंद ले सको और बोर्ड में ठीक है ना ऐसी की तैसी मजा सको क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, चलो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।